सानिहे 9 मई चेयरमैन पीटीआई 10 नामजद मुकदमात में गुनाहगार करार। बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। मुश्तरका तहकीकती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चालान जल्द अदालत में जमा करा दिया जाएगा। जो हथियार अमरीकी फ़ौज ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया अब वो कच्चे के डाकुओं और दहशत गर्दों के पास पहुँच चुके हैं। बिलावल भुट्टो की सखर में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों के लिए सरहदें खोली, मुल्क में आबाद करने का प्लान बनाया। अब दहशत गर्द फिर सर उठा रहे हैं। क्या जनरल फैज़ और चेयरमैन पीटीआई को अंदाज़ा न था कि दहशत गर्दों को कराची पहुँचने में कितना अरसा लगेगा? बिलावल भुट्टो का इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन से फौरी तारीख के ऐलान का मुतालबा। सानिहे बल्दिया फैक्ट्री एमक्यूएम की सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद। तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। हादसे का जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान को करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जज ने अपने अंदेशे का इजहार फैसले की शक्ल में दे दिया। फैसलों में लिसानी रंग मुल्की सलामती के लिए खतरनाक है। साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, एक चर्सी की गवाही पर एमक्यूएम के खिलाफ फैसला दे दिया गया। अगर क़यादत ने लगवाई तो फांसी दें। अबूरी हुकूमत सिर्फ कारकर्दगी पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल को हल करना तरजीह है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुजफ्फरगढ़ में मीडिया टॉक। कहा सेहत के शोबे पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, आज भी कई शहरों में एक्शन। लेस्को ने मजीद 205, फेस्को ने 126, गैपको ने 178 और मैपको ने 23 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, बाबर आजम को अगस्त के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिल गया। बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ 150 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 सेंचुरियां बनाईं।